हेलो गाइज, मेरा नाम विभू और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 के बारे में। ये इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है, AX7L वेरिएंट। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल वॉकडाउन रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस XUV 700 के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। शुरुआत करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी यहाँ पर LED DRLs देखने के लिए मिल जाती है। हेडलाइट भी काफ़ी यहाँ पर बड़ी दी गई है, ये भी आपको LED मिलती है, कोई भी प्रोजेक्टर नहीं है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगी और जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है उसके ऊपर आपको यहाँ पर महिंद्रा का न्यू लोगो देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। नीचे की तरफ आपको फोग लैंप्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि LED ही है। तो फ्रंट प्रोफाइल तो कुछ इस तरह की है आपकी XUV 700 के टॉप एंड वेरिएंट AX7 वेरिएंट है। कार की साइड प्रोफाइल में और देखते हैं साइड प्रोफाइल में आपको किस तरह के फीचर्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कार के व्हील के बारे में। तो यहां पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील है। अगर टायर साइज की बात करी जाए तो 235/65 R18 का यहां पर टायर देखने के लिए मिलेगा। साइड में आपको कुछ इस तरह के फ्लश डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं। और ORM की बात करें तो वो भी आपको ड्यूअल टोन में बॉडी कलर मिलते हैं और उस पर आपको LED इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। रिन वाइपर्स भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं कार की तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर रिमोट की देखने के लिए मिलती है जो कि आपकी फ्लिप की भी है और जिसके अंदर आपको रिमोट की भी देखने के लिए मिल जाती है। डोर लॉक अनलॉक और आपका बूट ओपन करने के यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल और बेसिक की दी गई है, बस सिर्फ आपको यहाँ पर महिंद्रा का लोगो चेंज मिलेगा की के ऊपर। बाकी आपकी ये कीज़ वही है जो पहले आपको XUV के अंदर मिलती थी 500 के अंदर, 300 के अंदर। इसकी क्वालिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा सुपीरियर देखने के लिए नहीं मिलती है, नॉर्मल की देखने के लिए मिलती है बिल्कुल। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर 2000 cc का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। ये एक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 197 BHP देखने के लिए मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क आपको 380 Nm का देखने के लिए मिल जाता है। हुड के नीचे आपको यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह सभी देखने के लिए मिल जाती है और गाड़ी का जो इंजन है वो वाकई में काफी ज्यादा रिफाइन है। बिल्कुल भी साउंड नहीं है इंजन के अंदर, मैंने पर्सनली साउंड सुनी है इस गाड़ी। बात करें कार के डायमेंशन की तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो कि लेंथ आपको 4695 mm की मिलती है, विड्थ आपको 1890 की और हाइट 1755 mm की मिल जाती है। कार के रियर टायर्स में भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कार के चारों टायर्स में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। ये कार आपको फ्रंट व्हील ड्राइव देखने के लिए मिलती है महिंद्रा XUV 700 AX7 पेट्रोल वेरिएंट। चलते हैं कार की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ इस तरह की आपको ओवरऑल लुक मिलती है XUV 700 की। तो XUV 500 से थोड़ी थोड़ी यहां पर मिलती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। टेल लाइट की बात करते हैं, यहां पर आपको फुली LED टेल लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि आपको XUV 500 से थोड़ी यहाँ पर सिमिलर देखने पर लगेगी। नीचे की तरफ XUV 700 की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। उसके नीचे आप देख सकते हैं AX7L वेरिएंट है इस गाड़ी का। रियर बम्पर में आपको यहाँ पर 2 सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं और रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे की तरफ। टेल लाइट मुझे काफ़ी यहाँ पर अच्छी लग रही है गाड़ी की। रियर में आपको यहाँ पर महिंद्रा का न्यू लोगो देखने के लिए मिलेगा, उसी के नीचे यहाँ पर कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। तो लोगो काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगता है, बटरफ्लाई की तरह यहाँ पर देखने पर लगता है। रियर में आपको यहाँ पर वाइपर देखने के लिए मिल जाएगा, बैक ग्लास में डिफोगर मिल जाता है, ऊपर की तरफ रूफ में आपको शार्कफिन एंटीना, पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, दोनों ही तरफ रूफ रेल्स मिल जाती है और हाई स्टो माउंट लाइट मिल जाती है। तो ये तो हुए इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल के फीचर्स। अब चलते हैं कार की साइड प्रोफाइल की तरफ और देख सकते हैं ओवरऑल लुक कुछ इस तरह की मिलेगी आपकी XUV 700 की बैक प्रोफाइल से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यूट्यूब पर आपने पहली बार व्हाइट कलर की XUV 700 देखी होगी। इससे पहले आपने काफ़ी सारे कलर देख रखे होंगे ऑलरेडी, पर XUV 700 जो आपने व्हाइट कलर में देखी होगी वो इसी चैनल पर देखी होगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस गाड़ी का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाता है जो कि 60 लीटर्स का है। तो काफ़ी बड़ा पेट्रोल टैंक यहाँ पर दिया गया है और कार का माइलेज जो है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेनेक्स की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर आपको कार के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेगी। ये इस गाड़ी का 7 सीटर वेरियंट है। तो देख सकते हैं आपको 3rd row भी मिलेगी। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ड्यूअल एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है कार में। और अगर स्पेयर टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 18 इंच का स्टील व्हील देखने के लिए मिलता है, कोई भी अलॉय व्हील ये नहीं है, स्टील व्हील सिंपल आपको देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कार का बूट स्पेस। तो आपको इस तरह की यहाँ पर 60-40 स्पीड वाली सीट्स मिलती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जिससे आप अपनी गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको एक लाइट देखने के लिए मिलेगी व्हाइट कलर की LED और वहीं पर आपको कैमरा मिलता है। तो आपको गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की 3rd row देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। लेग रूम में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको जैक वगैरह रखने के लिए मिलते हैं और अगर आप इस गाड़ी की 3rd row को फोल्ड कर देंगे तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये सीट्स जो है ये 60-40 स्प्लिट है। 3rd row की सीट्स में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो
तो बात करेंगे इस गाड़ी की सीट को फोल्ड किस तरह से करा जाता है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी गाड़ी की थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस हो गया थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड करने के बाद। तो ये काफ़ी सही फीचर हो जाता है जिस भी गाड़ी में आपको 60-40 स्पीड सीट्स मिलती है। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। एसी वेंट का जो फैन की स्पीड है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। दोनों तरफ आपको ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं और थर्ड रो में भी यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, रूफ में भी और साइडों में भी। टोटल आपको 12 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं कार के अंदर। जो कार का म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ही जल्द चैनल पर आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिए। तो अब चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाड़ी के और सभी फीचर्स को। देख सकते हैं बूट ओपन होने के बाद गाड़ी की लुक्स कुछ इस तरह की आती है। तो अब चलते हैं कार की सेकंड रो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस कार के फ्रंट डोर हैंडल्स काम करते हैं। रियर डोर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी डोर है कार का और यहाँ पर ब्लैक कलर का डोर दिया गया है। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये आपका लेदर में व्हाइट कलर का है और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। डोर आर्म रेस्ट में यहाँ पर लेदर फैब्रिक का यूज़ करा गया है। नीचे की तरफ बोटर होल्डर का स्पेस दिया गया है। स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर पावर विंडो का स्विच भी मिल जाता है। सेकंड रो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेकंड रो की सीट्स फोल्ड हो जाती है और आप थर्ड रो के अंदर जा सकते हैं। तो अब चलते हैं कार के अंदर और बैठ के देखते हैं किस तरह के फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। सेकंड रो की सीट को यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं और थर्ड रो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीट है उसी से आप इस कार की थर्ड रो में एंटर कर पाएंगे। तो अब चलते हैं कार के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह के इंटीरियर की लुक आती है। तो देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है इस बारी XUV700 का। इंटीरियर भी यहाँ पर आपको कार के अंदर ड्यूअल टोन में देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर के अंदर। सीट्स भी सभी आपको व्हाइट कलर की देखने के लिए मिलती है। रियर में यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिनमें आपको कोई भी फैन की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेग रूम देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट सीट्स के पीछे। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल देखने के मिलते हैं। वहीं आपको व्हाइट कलर की एलईडी लाइट मिल जाती है और यह है इस गाड़ी का पैनोरमिक सनरूफ जो कि काफी बड़ा है और काफी यहां पर सुंदर देखने में लगता है। पहले आपको XUV500 के अंदर पैनोरमिक सनरूफ नहीं मिलता था, पर अब आपको यहां पर पैनोरमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट डोर में भी आपको सभी सेम फीचर्स मिलते हैं। और वहीं अगर सीट्स की बात करें तो यहां पर आपको बीच में आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ये काफी यहां पर कंफर्टेबल हो जाता है सभी गाड़ियों में। रियर में जो यहां पर आपको हंप मिलता है वो भी काफी कम मिलता है, तीन बंदे यहां पर आराम से बैठ सकते हैं। राइट हैंड डोर में भी आपको सभी सेम फीचर्स मिलते हैं। यूएसबी पोर्ट टाइप सी के सभी पोर्ट्स यहां पर मिल जाते हैं। तो ये तो हुए इस कार की सेकंड रो। अब चलते हैं कार की फर्स्ट रो में और देखते हैं वहां पर आपको कितने फीचर्स मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट डोर हैंडल के अंदर आपको की लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप अपनी कार को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। फ्रंट डोर की बात करते हैं यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन में ही फ्रंट डोर मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है और बीच में यहाँ पर लेदर का यूज़ करा गया है व्हाइट जगह पर। जो इसके डोर लॉक अनलॉक करने के ऑप्शन है वो काफ़ी प्रीमियम सिल्वर कलर के हैं और यहाँ पर आप अपनी सीट को फोर वे एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORM को ऑटो एडजस्ट ऑटो फोल्ड कर सकते हैं और जो ड्राइवर साइड विंडो है उसे आप वन टच अप वन टच डाउन कर पाएगी। बात करें और फीचर्स की तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। जो इस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं वो टोटल 12 आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और कप होल्डर का स्पेस और बोटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सोनी के ट्विटर देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। जो गाड़ी के अंदर म्यूजिक आपको मिलता है वो आपको सोनी का मिलता है। इसका म्यूजिक टेस्ट भी चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाला है। फिलहाल बात करेंगे कार के इंटीरियर की फीचर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको कार का इंटीरियर मिलता है। व्हाइट कलर की सीट्स मिलती है जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट मिलती है और इन्हें आप फोर वे एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की फीचर्स की। तो देख सकते हैं डी कट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सभी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल, राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है। आप इस गाड़ी की MID देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दिखने वाली MID यहाँ पर दिखती है, बिल्कुल डिजिटल MID है, काफ़ी यहाँ पर बढ़िया ये देखने पर लगती है। अगर बात करें कार के एसी वेंट्स के तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है इस गाड़ी का, यहाँ पर आपको डैड पेडल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें इस कार के म्यूजिक सिस्टम की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले के साथ म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। सोनी का म्यूजिक सिस्टम कार के अंदर आता है। यहाँ पर एटिनोस की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले या नेविगेशन वगैरह के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। टच वगैरह का रिस्पॉन्स है वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन मिल जाता है। एसी वेंट की सराउंडिंग में आपको क्रोम की ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा और डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको लेदर का यूज़ करा गया है। ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। जो इस गाड़ी में नेगेटिव लगा है वो इस गाड़ी का है डे नाइट रियर व्यू मिरर आपको मैनुअल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, रूफ में यहाँ पर 2 LED लाइट दी गई है और यहाँ पर स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का सनरूफ भी ओपन कर पाएंगे। रूफ में देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। कार के अंदर टोटल 12 स्पीकर्स है। बीच में यहाँ पर आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। ऑटो पार्किंग हैंडब्रेक देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सभी ड्राइव मोड वगैरह मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है बीच में, और 2 glass होल्डर का स्पेस मिलता है। बीच में यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, और यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है कार के अंदर। ये आर्मरेस्ट जो है वो आपका एडजस्टेबल है, तो इसे आप एडजस्ट भी यहाँ पर कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं कार के इंटीरियर्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कार का पैनोरामिक सनरूफ ओपन करके, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और इजीली आपका पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाता है, और देख सकते हैं कितना बड़ा सनरूफ कार के अंदर आपको मिलता है। गाइस, मैंने आपको इस कार के सभी फीचर्स यहाँ पर दिखा दिए हैं टॉप एंड वेरियंट के। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी कर लेना जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।